तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर बात की थी। जरा उसको क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। वी स्टार्टेड विद राउल्स लॉ व्हिच सेज ऑब्वियसली दैट P1 इज P1 नॉट X1। राउल्स लॉ ये बोलता है P1 इज P1 नॉट X1। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है कभी भी जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें सोल्यूट डालते हैं। कैसा सोल्यूट? नॉन वॉलेटाइल और नॉन आयोनाइजेबल। जब ये टाइप का हम सोल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम ही होता है। इसका मतलब कि हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। रिलेटिव लोअरिंग के लिए हमने क्या किया था? रिलेटिव लोअरिंग के लिए हमने उसे ओरिजिनल से फॉर रिलेटिव लोअरिंग वी हैड डिवाइडेड इट बाय द ओरिजिन रिलेटिव के लिए। रिलेटिव लोअरिंग दैट इज डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट हमने डिराइव करके निकाला था W2 M1 अपॉन W1 M2। ये आपका मेन फॉर्मूला है। ये मैंने आपको पिछली बार पूरा अच्छे से डिटेल में डिराइव करके दिया था और कहा था कि आप ये मेन फॉर्मूला याद रखेंगे फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके लिए फिर से बोलो, इसके लिए याद रखेंगे ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने इसको लॉग के वैल्यूज के साथ सॉल्व किया था। अगर आपको याद हो तो पूरा इंडेप्थ अपन ने किया था इसको, जहां पर वी गॉट द करेक्ट आंसर अप टू 1 decimal place। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कहा था 2.5 भी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, विच इज नॉट गुड। एटलीस्ट आज ये कंप्लीट करके ले, ठीक है? सेम टू सेम क्वेश्चन आप सॉल्व करके ले। ये रहा हमारा फॉर्मूला, मैंने आपको मार्क करके दिया। 2.4 वी सॉल्व, 2.5 यू हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम जाते हैं। हमारी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बिफोर आई गो टू दैट, लेट्स रिवाइज द फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन वॉज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड वन वॉज बॉइलिंग पॉइंट का क्या, बॉइलिंग पॉइंट। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी? पहला था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार हम बार बार रिपीट करेंगे, आपको याद होनी ही चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होने वाला है। क्या है बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन? पिछली बार ये समझाया था कि बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं। ध्यान से देख लेना, ये एंट्रेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सब लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं, मार्किंग प्रॉपरली कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स द अप्लाइड प्रेशर। मैंने आपको ये कैसे डिफाइन करके दिया था? वेपर प्रेशर इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ओपन वेसल में है तो कितना प्रेशर लग रहा है बाहर से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। देखो ओपन कंटेनर में, यहाँ पे है ना, ओपन कंटेनर में अप्लाइड प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो कॉमन सेंस है। फॉर ओपन कंटेनर बाहर से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही तो लग रहा है फ्लूइड लिक्विड के ऊपर। ओपन, फॉर ओपन कंटेनर्स अप्लाइड प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब किसी लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पहुंच जाएगा तब वो बॉइल होने लगेगा। अब ये समझना कि बॉइलिंग पॉइंट का हमेशा एलिवेशन ही क्यों होता है। आपने ये बात तो मान ली क्योंकि मैंने आपको समझाई थी कि बॉइलिंग पॉइंट का हमेशा गारंटी के साथ क्या होगा? एलिवेशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम तो नहीं हो सकता। ये तो आप अग्री करते हो बच्चों मेरे से? अब आपको मैं समझाता हूं कि ऐसा क्यों है, समझना बात। अच्छा समझो, मैं ले रहा हूं वाटर। क्या ले रहा हूं मैं? वाटर। तो वाटर को मैं क्या बोलूं? मैं प्योर सॉल्वेंट बोलूं? बोलो हाँ कि ना। वाटर को मैं क्या बोलूं? प्योर सॉल्वेंट। और मैं यहां पर ले रहा हूं सॉल्यूशन। क्या ले रहा हूं? सॉल्यूशन, यानी कि मैं ले रहा हूं H2O प्लस सम अदर सॉल्यूट। कोई तो सॉल्यूट है, वाटर प्लस सॉल्यूट है, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत मस्त चीज है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक मेरे पास सॉल्वेंट है, दूसरा मेरे पास सॉल्यूशन। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? एक मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट है। दूसरा क्या है? सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, अब जो सॉल्वेंट है, समझो मैं आपको बोलता हूँ इनिशियल वेपर प्रेशर, तो आप बोलते हो हाँ सर P1 नॉट। आपने बहुत बार समझाया हम लोग को ये कि P1 नॉट, सॉल्वेंट है तो 1
और नॉट है मतलब प्योर, ये उसका वेपर प्रेशर है इनिशियल। क्लियर है ये बच्चों? इसमें कोई सवाल कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। फाइनल क्या होता है? पी वन। फाइनल क्या होता है? पी वन। ठीक है, आपको ये मालूम। मुझे पी वन और पी वन नॉट के बीच में रिलेशन बताओ, कौन सा कम होगा कौन सा ज्यादा होगा। पी वन नॉट और पी वन में से कौन सा कम कौन सा ज्यादा, क्लियर कट रिलेशन बताओ। पी वन विल बी लेस क्योंकि लोअरिंग हो रहा है वेपर प्रेशर का। क्या कर रहे हो? मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं। वेपर प्रेशर पी वन, जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है पी वन की, वो कम होगी। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर कम होने वाला है बॉस। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा आ जाता है, ध्यान से देखो। सपोज मैं आपको बोलूं इसकी वैल्यू थी 10 mm ऑफ एजी। कितनी थी? 10 mm। फॉर एग्जाम्पल ये कम होके हो गई 9 mm। क्या हो गई? कम होके हो गई 9 mm। मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दे, फिर से समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। इनिशियल वैल्यू क्या थी बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोली 10 mm है, कम होने के बाद ये 10 से कितनी हो गई? 9 हो गई। क्या ये बात क्लियर हुई आपके दिमाग में? एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है बोलो मुझे? 760 mm ऑफ एचजी होता है ना। 180 mm इज इक्वल टू कितना? 760 mm ऑफ एचजी। बोलो हाँ कि ना? यस। अब ये सेंटेंस को वापस पढ़ो, देखो इसको अपन अप्लाई करेंगे, बहुत प्यार से अप्लाई करेंगे। वो मेरे को बोलता है कि बॉइलिंग पॉइंट तभी पहुंचेगा जहां पर वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बन जाए। फिर से समझना, बॉइलिंग पॉइंट कब पहुंचेगा? जब वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पहुंच जाएगा। तो जब प्योर सॉल्वेंट फॉर्म में था तो 10 से चालू करके मेरे को 760 तक लेके जाएगा, करेक्ट ना? जब वो 760 पहुंचेगा तो बॉइल हो जाएगा, ये लॉजिक है कि नहीं? जब सॉल्यूशन है तो मेरे को 9 से 760 जाना है ना बच्चों, मतलब ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गया, वो 1 mm और कम हुआ ना, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और पीछे आ गया ना, तो मेरे को और ज्यादा हीट देना पड़ेगा ना वहां तक पहुंचाने के लिए, तो इसलिए मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब गया दिमाग में? ये ऐसा हुआ कि दो लोग रेस भाग रहे हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट इधर है और तुम्हारे बाजू वाले का स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा पीछे है, तो अगर तुमको 1 किलोमीटर दौड़ना है तो वो बेचारे को 1.1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, ऐसा हो गया। तो यहां पर जो सॉल्वेंट था वो जो वैल्यू से चालू किया था 760 पे पहुंचने के लिए, सॉल्यूशन तो उससे कम है ना क्योंकि वेपर प्रेशर की लोअरिंग हो रही है, तो वो पीछे से और चालू कर रहा है, तो उसको डिफरेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा, तो इसलिए वो बॉइलिंग पॉइंट उसका थोड़ा और ज्यादा पहुंच जाए। ये लॉजिक आपको समझना बहुत जरूरी है। ये आपको कोई पूछने वाला है? नहीं, ये आपको सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता, ठीक है बच्चों? आई होप ये आप सब लोगों के भेजे में गया होगा। यस, तनिष, रोहन, ऋषभ, सब लोग, यश, है ना? तो ध्यान से देखना। और रजनी आपने एक थोड़ा मिस्टेक किया वहां पे, वो नहीं करना है, वेपर प्रेशर को आपने गलत बोल दिया था, आप शायद बॉइलिंग पॉइंट सोच रहे थे, ध्यान देना। तो मैं ये कह रहा हूं कि टी बी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, टी बी फाइनल सॉल्यूशन का है, तो एलिवेशन हुआ तो मैं बोलूंगा अच्छा फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल। क्यों? डिफरेंस क्या है? डेल्टा टी बी है। डिफरेंस क्या है? डेल्टा टी, और इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये बात समझ में आ गई? इसके अलावा बाकी जो इसमें ग्राफ और ये सब हैं, ये आपके सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये आप सिर्फ रीड कर लेना इस पैराग्राफ को, इंपॉर्टेंट है हमारा ये पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 180। ऑलरेडी बहुत बार बता चुका, लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट कब पहुंचेगा? जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सेम हो जाएगा। द बॉइलिंग
पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. किससे प्रोपोर्शनल है वो बच्चों? मोलैलिटी. अब आप लोगों को मैंने क्लास 11 में मोल कॉन्सेप्ट में मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों बहुत अच्छे से सिखाया है. चलो आप मुझे बताओगे दोनों क्या होता है. मोलैरिटी और मोलैलिटी. आर एंड एल है ना, क्या था? अच्छा, बोथ वर टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. यस और नो? दोनों से कॉन्सेंट्रेशन पता चलती है ना. मोलैरिटी के लिए कैपिटल एम था एन बाय वी, और मोलैलिटी के लिए स्मॉल एम था एन बाय डब्ल्यू. बट मैंने स्पेसिफाई करके बार बार बोल के ये चीज सिखाई थी. आई एम प्रीटी श्योर भूल गए होगे, इसलिए रिवाइज करा देता हूं. यहां पर v वॉल्यूम ऑफ क्या है, याद है किसी को? v वाज वॉल्यूम ऑफ पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम या सिर्फ सॉल्वेंट का? पूरे सॉल्यूशन का. वेरी नो, वॉल्यूम ऑफ एंटायर सॉल्यूशन. मोलैलिटी में क्या आता है, ये गिवन मास ऑफ पूरा सॉल्यूशन या ओनली सॉल्वेंट? ये ओनली सॉल्वेंट है ना. अगर आप इसमें गड़बड़ करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. ये बहुत बेसिक चीज है, ये पता होनी चाहिए. मोलैरिटी में पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाता है, मोलैलिटी में केवल सॉल्वेंट का मास, पूरे सॉल्यूशन का नहीं. न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. कैसे बताएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, पता ही है. तो यहां पर मैंने फिर से देखो, मैंने मार्क क्या किया है, ध्यान से देखना बॉस, गड़बड़ नहीं चाहिए इसमें. मैंने क्या मार्क किया देखना, मोलैलिटी मार्क किया. चेक करो फिर से लाइन को, क्या मार्क किया चेक. बोलता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मतलब स्मॉल एम की कैपिटल एम, स्मॉल ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. आपको इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, ये उन्होंने बताया कि अच्छा कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा किस बात पे डिपेंड करेगा, मोलैलिटी पे डिपेंड. सीधी बात, अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग घुमा के सोचो तो हमने डिफाइन कैसे किया था बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को? नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती. याद है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या था, याद करो कि वो नंबर पे डिपेंड करती है कि नहीं. कैन आई से कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली टेल यू अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली? जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, कॉमन सेंस है कि नहीं? तो जिसका मोलैलिटी ज्यादा उसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, तो उसका एलिवेशन भी ज्यादा. बोलोगे हाँ ये तो दिस मेक सेंस, सीधी बात, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन में ही बैठ जाता है. तो यहां पर हमारे पास आते हैं दो नए फॉर्मूले. तो दो नए फॉर्मूले क्या है हम देखते हैं. देखते चलो, सिंपल फॉर्मूले, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं. इफ डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, इट इज इक्वल टू के बी इंटू एम. ऑब्वियसली आई नीड अ कॉन्स्टेंट टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन. एंड वॉट इज दैट कॉन्स्टेंट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो मैं टेक्स्ट बुक में मार्क करता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम मार्किंग दिखनी चाहिए मुझे. तो आपकी बुक जब मैं उठा के देखूंगा अगर, तो मुझे दिखना चाहिए कैसा इसके बाजू में लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो बच्चा एग्जाम के वक्त वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पढ़ता वो गधा है, फिर वो फेल होना डिजर्व करता है. ये तो ऑब्वियस है, ये गारंटीड क्वेश्चंस में से. केबी क्या है? केबी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट. क्या कहते हैं बताओ? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट और मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट. क्या बोलते हैं? मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. क्या देखो? एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. द वर्ड एब्यूलियोस्कोपिक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, नाम से याद हो जाएगा.
एब्यूलियो बॉइलिंग पॉइंट, क्या ये बात समझी? तो तीन नाम है एक ही चीज के, तीन नाम है, ठीक है, एक ही चीज के तीन नाम है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या ये बात सबके भेजे में चली गई? इसका नाम क्या है? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट आपको बोर्ड्स में डिफाइन करने को बोलेंगे या फिर उसके अलग नाम पूछ लेंगे या फिर वो सीईटी में आपको एमसीक्यू में भी पूछ लेंगे। अच्छा, अगर एम की वैल्यू वन, स्मॉल एम की वैल्यू वन है, अगर वन मोलाल सॉल्यूशन है तो के बी बिकम्स इक्वल टू टी बी, सीधी बात है। तो यूनिट्स ऑफ के बी विल बिकम केल्विन केजी पर मोल। फिर से देख लेना, गड़बड़ नहीं करना मार्किंग में। यूनिट्स ऑफ के बी आर केल्विन केजी पर मोल। क्या है यूनिट्स? केल्विन केजी पर, यस, बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं डायरेक्टली आपको जंप करके यहां पे लेके आता हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन वील गो बैक टू द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला वेयर वी आर गोइंग टू यूज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। व्हाई? आई विल टेल। हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देख लिया, अब हम लोग देख रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक्स में आता है, जब किसी चीज की प्राइस गिरती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये डिप्रेशन, ये वो वाला डिप्रेशन, ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो आप लोगों को होता है जब गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठाती, वो वाला नहीं। हाँ, ये डिप्रेशन मतलब इसकी वैल्यू कम होना। ठीक है बच्चों, देखो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली क्या था? आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस। नमक डालने के बाद पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और भी कम हो जाता है, मतलब 0 से कम हो जाएगा, मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। अग्रीड? आप लोगों ने कभी आइसक्रीम मेकर देखा होगा, अगर अगर घर पे जो आइसक्रीम मेकर अपन यूज करते हैं उसमें सेंटर में एक कंटेनर होता है, उसके बाजू में पूरी स्पेस होती है जहां पे आप, तो जब हम लोग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे थे बच्चों, सॉरी फॉर द ग्लिच, ठीक है, जब हम लोग डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे थे तो हमने ये बोला कि भाई जब हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं, आइसक्रीम मेकर अगर आप यूज हमने देखा होगा कभी, उसमें सेंटर में एक कंटेनर होता है और आजू बाजू एक स्पेस होती है जहां पे आप क्रश्ड आइस विथ सॉल्ट का मिक्सचर डालते हैं। सो देयर द आइडिया इज दैट वेन एवर यू मिक्स सॉल्ट विद आइस और सॉल्ट विद वाटर, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज गोइंग टू गेट लोअर, विच मीन्स इट इज नाउ गोइंग टू फ्रीज एट अ टेम्परेचर वेल बिलो जीरो, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है ना? दैट इज द लॉजिक, करेक्ट? सेम फंड है। इफ टी नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्ट, टी एफ इज फॉर सॉल्यूशन, फिर से देखो, टी नॉट एफ इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, टी एफ इज फॉर सॉल्यूशन, देन टी नॉट एफ is greater than TF. Difference is delta TF. Difference is delta TF. And this delta TF is proportional to small m. मतलब molality से proportional है. और इसका constant का नाम क्या है? जैसे वहां पे उसका नाम क्या था? Boiling point elevation constant. और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, करेक्ट? वैसे यहां पर देखो इसका नाम क्या है? क्या आप देख पा रहे हैं बच्चों क्या नाम है इसका?
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। नाम क्या है देखो, क्या नाम है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपी, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जरूर सुना होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायोस्कोपी। इन द कैप्टन अमेरिका फिल्म, इन द मार्वल फिल्म कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर एंड व्हाट एवर, दे पुट द लाइक द सुपर सोल्जर्स इन क्रायो स्लीप, दे फ्रीज देम सो दे कैन लाइक लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, राइट? दे कॉल इट क्रायो स्लीप, वो मूवी में बोलते भी। सो क्रायो वर्ड क्या है, उसका मतलब लिटरल मीनिंग है फ्रीजिंग। क्रायो का मतलब क्या है लिटरल मीनिंग? क्रायो चेंबर्स, यस, यू पुट पीपल इन क्रायो चेंबर्स और यू स्टोर सैंपल्स इन क्रायो चेंबर्स, राइट? सो इवन इन रियल लाइफ, इट्स नॉट इवन ओनली अ सुपर हीरो मूवी कॉन्सेप्ट, इट्स अ रियल लाइफ कॉन्सेप्ट वेर वी हैव क्रायोथेरेपी फॉर डिजीजेस, वेर वी हैव क्रायो चेंबर्स टू स्टोर थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपने वो फिल्म देखी है विकी डोनर, है ना? उसमें वो बताया वो स्पर्म डोनर होता है, तो जैसे किसी का अगर स्पर्म सैंपल वो लोग ने कलेक्ट किया तो वो स्टोर कहाँ करते हैं? वो उसको क्रायो प्रिजर्वेटिव चेंबर्स में स्टोर करते हैं ताकि वो सालों साल तक वैसा ही रहे, लिविंग है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उसके अंदर। सेम वे कोई स्पेसिमेन अगर उनको स्टोर करना है, ब्लड स्टोर करना है, तो वो क्रायोस्कोपिक मेथड्स यूज करते हैं। इन जनरल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज क्रायो वर्ड का मतलब है फ्रीज। ओके, तो क्रायोस्कोपी इन शॉर्ट, घुमा फिरा के, क्रायो वर्ड का मतलब फ्रीज। तो क्रायो वर्ड आप जहां देख लेना फ्रीजिंग समझ लेना। अच्छा, और एक इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, आगे पी ब्लॉक में आप लोगों को काम आएगी। लिक्विड नाइट्रोजन हम लोग यूज करते हैं, पता है आपको, क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, ठीक है? वी जनरली यूज लिक्विड नाइट्रोजन। ये आपको देखने भी मिलेगा कई बार, आजकल नया ट्रेंड है वो आइसक्रीम बनाने वाले आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं ना, जो लाइव आइसक्रीम बनाते हैं, वो भी यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। ओके, तो ये आपको देखने मिलेगा कई बार क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए यूज। फंडा क्या है, अगर m इज इक्वल टू 1 सो देन डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kf, तो यूनिट ऑफ Kf क्या बनेगा? सेम, केल्विन केजी पर मोल सेम होगा। अब ये तो हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का, दो अलग अलग, बट आपके लिए मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इसको साथ में लिखता हूं, तो आपको रियलाइज होगा कि ये कितना सिंपल है। अब आपके लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कुछ चीजें, जस्ट पे अटेंशन टू देम एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग आस्क। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, सेकेंड में आई विल टॉक अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ये दोनों हैं, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट का गारंटीड क्या होने वाला है? एलिवेशन। फ्रीजिंग पॉइंट का गारंटीड क्या होने वाला है? डिप्रेशन। क्लियर है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है? तो बोलोगे टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, प्योर मतलब नॉट, टीबी नॉट, बोलो हाँ कि ना। टी से टेम्परेचर, बी से बॉइलिंग, नॉट से प्योर। फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का क्या होने वाला है? तो बोलोगे टी एफ नॉट, यस और नो बच्चों? टीबी नॉट एंड टी एफ डॉट, इज दैट क्लियर? अब सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन बनाने के बाद आई विल से टी बी एंड टी एफ, ठीक है? फाइनल को आप टी बी टी एफ ऐसा बोलो। फर्क कहां आएगा? फर्क यहां आएगा कि इधर टी बी इज ग्रेटर देन टी बी नॉट, करेक्ट ना? बिकॉज फाइनल इज मोर देन इनिशियल बिकॉज एलिवेशन हुआ है। दिमाग में जा रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होने वाला है? टी एफ इज लेस देन टी एफ नॉट बिकॉज डिप्रेशन। सिंपल, एकदम सिंपल है।
तो यहां पर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट था, फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नॉट था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी था, फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ था। मैं दोनों को साथ में करा रहा हूं भी आपको, तो आपकी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक साथ हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होने वाला है, मतलब फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, क्लियर? और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होने वाला है, मतलब फाइनल इज लेस देन इनिशियल, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। अब ध्यान से देखना, जब मैं चेंज लिखूंगा तो मैं हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू लिखूंगा। आप बोलोगे हाँ ठीक है, डेल्टा टीबी इज टीबी माइनस टीबी नॉट, वेरी गुड। सेम वे डेल्टा टी एफ क्या आएगा आप मुझे बताओ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, बोलो हाँ कि ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, दोनों को साथ में कर रहे हैं अपन। अच्छा, ये इसने बताया कि जो चेंज आपको मिलेगा, जो एलिवेशन मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट का, वो प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है। आप बोलोगे ठीक है भाई, प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, वेरी गुड। तो जो चेंज मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट का वो भी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है, वाह, दोनों सेम, वेरी नाइस। जब डेल्टा टी बी लिखेंगे और इक्वल टू लिखना है, मोलैलिटी तो है ही, तो के बी लिखेंगे, तो वैसे ही डेल्टा टी एफ लिखना है, मोलैलिटी तो है ही, तो बताओ क्या लिखेंगे, के एफ। अब हुआ सिंपल, बोलो हाँ कि ना, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने एब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट बोला, क्या बोला, एब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट बोला, बोलो हाँ कि ना बच्चों। इसको हमने क्या बोला, क्रायो स्कोपिक कांस्टेंट, क्या बोला, क्या बोला, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्लियर बात, मस्त, एकदम बढ़िया है ना। तो आप देख सकते हैं, अब आपको एकदम सिमिलैरिटी समझेगी, फर्क क्या था, सिर्फ एक ही फर्क था कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला था, फ्रीजिंग पॉइंट कम होने वाला था, लेकिन जो डिफरेंस है ना वो सेम टू सेम है बॉस, ये समझने की जरूरत है, ये एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाता है। अब आप याद करो, मैंने आपको मोलैलिटी लिखवाई थोड़ी देर पहले, मोलैलिटी मैंने क्या बोली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब जिन बच्चों को W1, W2, M1, M2 याद है उनके लिए ये बहुत आसान है, फॉर्मूला देखना, बहुत मजेदार फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, मोलैलिटी को कैसे लिखूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ कि ना, इन केजी, इन केजी, ऑलवेज। तो डेल्टा टी एफ को क्या लिखूं, बोलो, के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ऑब्वियसली इन केजी, सेम टू सेम जा रहा है अभी, हाँ बहुत सही है। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, इट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये ऐसा हो गया, सोल्यूट के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास W2 अपॉन M2, हाँ यार ये तो बहुत सही है, करेक्ट है। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला ये बन गया, वो वीडियो बंद कर देते हैं, फिर थोड़ा सा लैग हो रहा है इसके लिए, चलो। सो टीबी और केबी है ना, इनका जो वैल्यू आपको समझ में आया वो ये समझ में आया कि अच्छा टीबी और केबी जो है उसका मोलालिटी से रिलेशन है,
TF और KF का भी मोलैलिटी से रिलेशन, तो हमको सिमिलैरिटी दिख रही है अभी दोनों के बीच में पूरे के पूरे फॉर्मूला में अगर हम देखें, और यही हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, देखना हमारी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन था उसका फॉर्मूला ये रहा, और हमारी जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन उसका फॉर्मूला ये रहा। आप लोग ये दोनों फॉर्मूले जो है आपके उनको अच्छे से समझ लेंगे और याद कर लेंगे। नाउ लेट्स गो बैक टू द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का, अगर आप देखो मैंने आपको कहा कि आई विल कम बैक टू दिस, सो लेट्स सी डेल्टा टी बी इज की बी इनटू एम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू टू बाई एम टू है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया एन टू है, ओके मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू वन है, मालूम है मेरे को, है कि नहीं। तो मोलालिटी क्या हुई, 1000 डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन। आप बोलोगे सर यहां तक तो आपने सही समझा दिया, डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन, ये 1000 कहां से आया, याद करो मैंने हमेशा बोला कि ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बट आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम में बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज्यादातर वैल्यूज ग्राम में दी रहेगी, और लॉजिकल भी है। आपको मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि भाई एक मैंने टेस्ट ट्यूब लिया उसमें मैंने 10 ग्राम कुछ सॉल्ट डाला या 5 ग्राम कुछ सॉल्ट डाला, ऐसा ग्राम में पूछूंगा ना मैं, ऐसा तो नहीं पूछूंगा ना गधे जैसा कि 10 किलो सॉल्ट डाल के दिया, इज इट प्रैक्टिकल, नो। तो मेरी सारी वैल्यूज आपको जो दी रहेगी वो किस में दी रहेगी, ग्राम में। और मेरा जो ओरिजिनल डेफिनेशन था वो कैसा था, वो पर केजी के हिसाब से, बोलो हाँ कि ना, है ना। मेरा जो ओरिजिनल डेफिनेशन था वो कैसा था, पर केजी के हिसाब से था, इसका मतलब मेरे को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 kg इज 1000 ग्राम, है कि नहीं। यहां पर ये फंडा आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने जो आपको यहां पर लिख कर दिया है, इसमें अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा एप्लीकेबल हो जाता है जब मुझे बाकी सारी वैल्यूज ग्राम्स में दी हुई है, बोलो हां कि ना। यस, फिर से देख लो, तो KB into 1000 W2 by M2 into W1, KF into 1000 W2 by M2 into W1, ये फंडा यहां पे। वापिस आ जाते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। W2 by M2 into W1, तो यहां पर डेल्टा TB is KB into 1000 W2 by M2 into W1, यही मेरा जो फॉर्मूला है आपको मैंने ऑलरेडी डिराइव करके दिया, इसको आप बॉक्स कर लेना, ये आपका मेन फॉर्म, कौन सा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इसमें से ज्यादा करके वो आपको क्या पूछने वाले, मोलार मास के बारे में पूछने वाले। सेम टू सेम लॉजिक अगर मैं इसके लिए लगाऊं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, ध्यान से देखना, तो मेरा सेम लॉजिक अगर यहां पर लगेगा बच्चों, स्मॉल एम मोलालिटी विल बी 1000 W2 बाय M2 इनटू W1, सो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, यहां पर आप देखोगे तो आपका सेम टू सेम इक्वेशन जो है वो बनेगा फॉर TF, जैसा TB के लिए बना था वैसा ही डेल्टा TF के लिए भी बनेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं, आज दो मेजर इक्वेशन हमने ये कंप्लीट किए, नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके बाय।